अ मैन स्टार्ट्स मूविंग, अ मैन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, अ मैन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड ट्रेवल्स अरे ट्रेवल एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अलोंग ईस्ट, 10 किलोमीटर अलोंग ईस्ट, 10 किलोमीटर अलोंग ईस्ट एंड देन 10 root 2 kilometer along north, and then 10 root 2 kilometer along north. And from that point, he stops after traveling. And at that point, he stops after traveling twenty kilometer along southwest direction. 20 kilometer along southwest direction. Full stop. Find the displacement of the particle during his journey, and also calculate the distance covered by him, यही ना है जी, जैसे देखो अगर कहीं पे अगर बात करा जाए तो मैं आपको पढ़ाया गया है ना ये सब, बताइए जब भी अगर इस तरह का हो तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ये ईस्ट था ना और ये क्या वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है ना। अब कहाँ से चला है जी, एक इंसान चला, कितना चला, 10 किलोमीटर किधर ईस्ट चला, फिर उसके बाद किधर किधर नॉर्थ, कितना चला है नॉर्थ 10 root 2 किलोमीटर, मतलब इधर चला 10 root 2 किलोमीटर। अब वहां से किधर चला है साउथवेस्ट डायरेक्शन, मतलब साउथवेस्ट डायरेक्शन इधर ही ना हो गया जी, इधर कितना चला, इधर आया होगा ना, कितना किलोमीटर जी 20 किलोमीटर। अब यहाँ रुक गया आकर के, यही ना बोला गया है, कोई प्रॉब्लम। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन यही ना रहा जी, इनिशियल पोजीशन यही ना है तो यही ना डिस्टेंस निकालना है, बात समझ में आया। ये 10 किलोमीटर है, 10 root 2, और ये वाला 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कैसे होगा, बना लोगे आराम से ना। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा, बोलो 10 इधर कौन सा कैप लेते हो, इधर कौन सा कैप, इधर कौन सा कैप और इधर कौन सा कैप, तो बताइए यार। पहला 10 किलोमीटर आई तो 10 आई लिख दू डायरेक्ट, अब बताओ 10 root 2 तो क्या लिखू, 10 root 2 जे क्या, अरे कोई दिक्कत, वेक्टर का सबसे अच्छा बात होता है उसको पैरेलली शिफ्ट करा सकते हो ना, तो अगर पैरेलली शिफ्ट कराया तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 20 किलोमीटर ना, तो अगर एक ही जगह अगर इसको बनाते तो आप आराम से बना सकते हो, क्या बना सकते हो बाबू, इधर कितना गया है 10 किलोमीटर, इधर कितना गया है 10 root 2 किलोमीटर, और इधर कितना गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यही ना हुआ जी, यहाँ से कितना 45 डिग्री, और यहाँ से भी कितना 45 डिग्री, ये पिक्चर समझ में आ रहा है, अरे कितना एंगल भाई, कितना चला है 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत। तो इसका दो कंपोनेंट होगा कौन कौन सा, एक इधर बताओ 20 into cos 45 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट होगा 20 into sin 45 डिग्री, अरे होगा, तो इधर क्या हो गया 20 into cos 45 का वैल्यू 1/√2 ना जी,
तो कितना 10√2 हो गया, 10√2 किलोमीटर आया कि नहीं, मतलब 10√2 कौन सा कैब जी, माइनस एक कैब। अरे कोई दिक्कत, इधर बताओ इधर कितना, ये भी तो 10√2 ही ना होगा, कौन सा कैब रे बाबू, माइनस आई कैब। अरे समझ आया, तो बेयर का बात कर रहे थे आप लोग ना, अभी समझ में आया, पता चल गया, दिख गया। अरे खत्म ना हो गया जी, तो केवल इधर ही ना रहेगा डिस्प्लेसमेंट, नहीं समझ आया, तो क्या हो गया बताओ, इसको क्या लिखिएगा आप, ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट बताया था ना, 30° ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 45° साउथ वेस्ट, ये सब बताया गया है, 60° ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये सब बताया गया था कि नहीं बताया गया। अरे चर्चा किया गया है ना सब जी, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तब बताओ ये जो 20 वाला था वो क्या लिखे आप, पहला 10√2 माइनस 10√2 कौन सा कैप जी, जे कैप, और इधर कौन सा कैप, माइनस 10√2 कौन सा कैप बाबू लोग, आई कैप, जे कैप उड़ जाएगा, तो क्या बचा 10 × 1 माइनस रूट टू कौन सा कैप, आई कैप, मतलब की बात समझ में आ रहा है, 10 × क्या हो गया बताओ जी, 1 − √2 1.414 होता है ना जी, कौन सा कैप, आई कैप, तो माइनस 14.14 आएगा लगभग, आई कैप, आई कैप कौन सा डायरेक्शन, अरे आई कैप कौन सा, ईस्ट, तो माइनस आई कैप, तो एलॉन्ग वेस्ट नहीं हो गया, बोलो ना, मैं बार बार बोला ना कि वेक्टर बहुत काम आसान कर देता है। अब ज्योमेट्री लगा के सोच रहा होगा कि ऐसे यहाँ से यहाँ कैसे निकाले, यहाँ से कैसे निकालते, मतलब आपको ऐसे ही सोचना है, ये नहीं कि ऐसे सोचना है, ऐसे टेंथ में सोचते थे ऐसे आप लोग, समझ में आ रहा है ना, आपको ऐसे ही सोचना है, चाहे कैसे भी दे दे, आपको कैसे सॉल्व करना है पता चला, तो इस तरह का और इलस्ट्रेशन मैं लूंगा नहीं, आप लोग के दिमाग में बैठा होना चाहिए, बस डायरेक्शन पता है ना आप लोगों को। बताओ जी प्राची, बताना जरा, ये ईस्ट होता है और ये क्या है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। चलिए बताइए, अब समझ में आ रहा है, देखो ये 30°, ये कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ जरा, यहाँ पे बता सकते हो ना, किससे रिकॉर्ड करा गया एंगल, वेस्ट से ना, तो देखो जब भी लिखोगे 30° हो गया ना, किधर जा रहा है, साउथ की तरफ ना, तो बताओ ये क्या होगा, 30° साउथ, 30° साउथ लिख देंगे, किधर किससे एंगल रिकॉर्ड किया गया, वेस्ट से, तो ऑफ वेस्ट ना, डिस्प्लेसमेंट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है, देखो इधर ये पूछा जा सकता है ना, तो क्या होगा 30° साउथ गया ऑफ वेस्ट। चलो बताओ ये कितना एंगल है, ये बताओ इस ये डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करो, तो ये डायरेक्शन का नाम बताओ, तो ये इसको कैसे बतलाओगे, ये मान ले तो 37°, क्लियर ना, 37° नॉर्थ ऑफ वेस्ट, समझ में आया ना। चलिए लिखे तो क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, a particle is moving along x axis as x(t) equals to t²−4 meter, where t is time in second, where t is time in second, दिक्कत, वेरी गुड, वेर t इज टाइम इन सेकेंड, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, calculate the distance covered and displacement of the particle. First question likhiye. In first four second. Aur second part likhiye. From time t equals to 3 second to t equals to 5 second. From time t equals to 4 second to t equals to 5 second. या क्या बोला था जी, 5 ही सेकेंड बोला था ना, हाँ चलिए, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है ना। पार्टिकल दिख रहा है किधर जा रहा है जी,
एक्स एक्सिस के अलावा मैं बोल भी दिया हूँ, हालांकि क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोला होता तब भी आप लोग समझ जाते ना, केवल पोजिशन दे देता, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवेन बाई एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर ना, तो समझ जाते कौन सा मोशन है, वन डी मोशन है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, एक्स एक्सिस, दैट स्ट्रेट लाइन इज एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो जरा, क्वेश्चन फर्स्ट, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड किसका फंक्शन है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस फोर, अरे समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट 10 सेकेंड बोला है, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब 0 सेकेंड से कहां तक जी, 0 सेकेंड से लेकर के कहां तक, 4 सेकेंड तक, अरे यही ना फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब हुआ, फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब 0 सेकंड से 4 सेकंड, तो अब बताओ एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो निकालिएगा, तो एक्स ऑफ जीरो निकालने आता है मतलब टी इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर के टी इक्वल टू 4 ही सेकंड पे ना पूछा है जी, इतना ही टाइम तक ना पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टी इज टी स्क्वायर माइनस फोर, तो एक्स ऑफ जीरो निकाल लोगे ना, 0 का होल स्क्वायर माइनस फोर कितना बाबू, माइनस 4 मीटर, अरे कोई दिक्कत है, माइनस 4 कोई दिक्कत, अब x ऑफ 4 पूछा है, x ऑफ 4 तो क्या करोगे, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 तो कितना हो गया, 12 हुआ कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है, तो t को 0 पे पार्टिकल कहां पे है, माइनस 4 मीटर पे, कहां पे है, माइनस 4, यही होगा माइनस 4 इधर, और t को 4 पे कहां पे है, 12 पे, समझ में आया, अब बताओ डिस्टेंस कितना हो गया, 16 और डिस्प्लेसमेंट कितना, 16 आया था कितना आया था, 12 आया था, एक गलत बात है ना, डिस्टेंस 12 होगा जी, पार्टिकल किधर से चल रहा है, देखो यहां से चला ना, तो ये वाला 4 मीटर और उधर कितना 12 मीटर, डिस्टेंस भी कितना 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 16 मीटर, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव कर रहा है और ट्रेवर्स नहीं कर रहा है, डायरेक्शन लौट रहा है क्या, पुट करके देखो वैल्यू तो बढ़ते जाएगा ना जी, क्योंकि टी स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, तो पार्टिकल जब चलेगा एक ही स्ट्रेट लाइन के अलावा तो डिस्टेंस कितना, यहां पर डिस्टेंस भी कितना हो गया 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया बाबू 16 मीटर। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, A particle is moving along x-axis. Whose position is function of time t as x of t equals to 8t minus t square meter. 80 minus t square meter, where t is time in second. Full stop. Calculate the distance covered. Calculate the distance covered and displacement of the particle in first 6 seconds. First 6 second का मतलब 0 second से 6 second तक बनाइए। Particle किधर move कर रहा है जी? X axis के along ही ना move कर रहा है। बताओ जरा। कब पूछा गया है बताइए जरा, फर्स्ट 6 सेकेंड ना, फर्स्ट 6 सेकेंड का मतलब टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड से कहां तक जाना है, टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड, अरे यही ना कोई दिक्कत, 0 सेकेंड पे पार्टिकल पुट करो, एक्स ऑफ जीरो
जीरो, 80 माइनस टी स्क्वायर है ना। अच्छा 104 बताइए तो कितना, 7 मीटर आएगा। 102 बताओ, 16 माइनस 4 12 मीटर आया। 103 बताइए तो जरा, 3 8 24 माइनस 9 15 मीटर आया क्या। 104 बताइए जरा कितना, 32 माइनस 16 कितना, 32 माइनस 16 मीटर। अच्छा 105 बताइए तो जरा, 40 15 मीटर आया क्या। 106 बताइए तो कितना आया बोलो, 48 माइनस 36 12 मीटर आया। 107 बताइए जरा, अब बोलोगे कि क्या जरूरत है सर, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताओ। अरे 56 माइनस 49 56 माइनस 49 कितना, 7 मीटर नहीं हुआ। और 108 बताइए तो, 0 मीटर नहीं होगा। कुछ समझ आया, देखो पार्टिकल कैसे चल रहा है। यहां से चलना शुरू किया फर्स्ट सेकंड 0 सेकंड पे। अच्छा 1 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे, 1 सेकंड पे कितना मीटर चल लिया है, 1 सेकंड यहां टाइम है, 15 मीटर चल लिया जी, सॉरी 7 मीटर है, 7 मीटर चला। अच्छा 2 सेकंड पे कहां पे है, 12 मीटर, अरे है। और 3 सेकंड पे कहां पे, 15 मीटर है क्या, 15 मीटर। बताइए 4 सेकंड पे कहां पे, 16 मीटर है ना जी। फिर 5 सेकंड पे कहां, फिर यहीं पे आ गया कि नहीं। 6 सेकंड पे कहां पे, यहीं पे आया कि नहीं, बस समझ आया। तो बताओ डिस्टेंस कवर कितना किया, डिस्टेंस यहां से यहां 16 मीटर चला, पार्टिकल यहां से चला ना जी ऐसे, यहां से यहां 16 मीटर कवर करा, फिर लौटा ऐसे, यहां से यहां कितना, 1 मीटर, अरे है ना। फिर यहां से यहां कितना, 3 मीटर। तो बताओ 20 मीटर डिस्टेंस हुआ कि नहीं इस दौरान, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 20 मीटर और नॉट, इज दिस विजिबल बाय दिस पिक्चर और नॉट, प्लेसमेंट इज स्टिल दैट विल बी व्हाट, 12 मीटर। Displacement is the shortest path length directed from initial position to its final position. Initial position यहीं पे था, final position यहीं पे, समझाने के लिए अलग डायग्राम बनाया हूँ। Particle इसी के अलग में चल रहा है जी। तो अब कितना रहा यहाँ से, displacement कितना, 12 मीटर, समझ आया। अरे particle यहाँ से लौटा होगा ना, यहाँ से चलने के बाद क्या हुआ, लौट गया, घूमने चला आया, देखो लौट रहा है एकदम, लौटा। तो कैसे बनाया है? पता चला आप लोग को, यहां से यहां 16 मीटर टोटल, और यहां से यहां कितना जी बाबू, यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो 20 मीटर से। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया इस दौरान, डिस्टेंस कवर्ड मीटर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लिखिए, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज एज, वेरीज एज एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 60 माइनस t square, where t is time in second, 60 minus t square meter, where t is time in second, where t is time in second, find the distance and displacement covered by the particle, find the distance covered by the particle, find the distance covered by the particle and displacement of the particle, and displacement of the particle in first 6 seconds, in first 6 seconds.
अब सोचोगे जरा कि हमेशा पुटम पुट करते रहें क्या, पुट करके ही वैल्यू निकालते रहेंगे? नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ सकते हो। देखो कैसे सोचना है इस तरह का क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में बगैर डायरेक्शन चेंज किए हुए चला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर चेंज कर रहा है डायरेक्शन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हुआ होगा ना जी। ऐसा पॉसिबल है कि एक बैग गए आप और एक बैग इधर आने लगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे जहां पे वेलोसिटी, अगर लौटना है आपको तो वेलोसिटी तो जीरो होगा ना जी। कहीं कहीं जैसे एक मार्कर को फेंक रहे ऊपर, तो मार्कर ऊपर फेंक चलते गए, हमेशा चलते ही चला जाएगा क्या? मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो फेंकोगे तो चला नहीं जाएगा। होगा हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है, उसके बाद फिर अपना रिट्रेस करता है पाथ की नहीं। क्यों रिट्रेस करता है? क्योंकि नीचे की ओर एक्सेलेरेशन था, वो अलग चीज है, अभी फोर्स वगैरह की चर्चा नहीं कर रहा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वो काम करो, स्टेप वन में क्या सोचना शुरू करना आप लोग, याद रखना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो एक स्टेप वन में क्या सोचना है आपको, फाइंड द टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। कैलकुलेट या टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये पहला स्टेप यही सोचना ही है। पहला स्टेप में क्या करोगे, वेलोसिटी जीरो। तो अगर इतना तो पढ़े हुए हो ना आप लोग, वेलोसिटी क्या होता है जी, dx by dt इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो आप अगर पता करते एक आम, तो ये पता चल ना जाएगा कि कहां पे वेलोसिटी जीरो होगा और जीरो नहीं होगा। अब याद कीजिए आप लोग, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए थे वो क्या था, वहां पे t स्क्वायर माइनस 4 था शायद ना, x इक्वल टू क्या था, t स्क्वायर माइनस 4। तो dx by dt निकालते 2t आता ना, कहीं वेलोसिटी जीरो होने के चांसेस था क्या? कहीं डायरेक्शन चेंज करता क्या वो? मैं समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है। लेकिन अगर दूसरा जो फंक्शन क्वेश्चन लिए तो क्या था, 8t माइनस t स्क्वायर था जी। तो dx by dt करते है तो कितना आता, 8 माइनस 2t इक्वल टू जीरो। t इक्वल टू 4 सेकंड पे पलटी मारा था कि नहीं, t इक्वल टू 4 सेकंड पे घूम करके आया था कि नहीं, t इक्वल टू 4 सेकंड पे लौट करके आया था कि नहीं। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे लौटा कि नहीं लौटा? तो t इक्वल टू 4 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, क्योंकि उस समय कोई टर्न उनका बात नहीं है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर कभी चेक कर लेना, वो t इक्वल टू 4 सेकंड निकल जाएगा, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो वहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। अच्छा, 1 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसी एग्जांपल को समझा रहा हूं, देखो ये वाला, 1 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। अब आगे सोचना है, अब क्या सोचना है, आगे सोचना है। अब पूछा जाएगा 5 सेकंड पर, देखो एग्जैक्टली वही पाथ रिट्रेस कर रहा है कि नहीं। अगर 5 सेकंड में पूछेगा तो 5 सेकंड पर डिस्टेंस कितना, 5 सेकंड पर डिस्टेंस कितना, ये वाला तो हो गया 16 मीटर, अरे है ना, और ये वाला कितना, समझ रहे हो, 1 मीटर, तो 17 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 15 मीटर ही ना रहा, डिस्प्लेसमेंट में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट करो वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट। अगर कितना सेकंड, 5 सेकंड पे बोला था क्या, 6 सेकंड पे बोला था, मैं जो भी है 6 सेकंड में बोला था, तो डिस्प्लेसमेंट में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट ही देता है। x इक्वल टू 6 पुट करो तो वही आएगा 12 मीटर, लेकिन डिस्टेंस पर ध्यान देना है। टू x इक्वल टू 6 मीटर में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बताइए, पल्टी पॉइंट तक वही ना चला जी, टर्निंग पॉइंट तक वही ना चला जी, लौटने वाला पॉइंट तक वही चला ना जी। तो 4 सेकंड तक डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया, अब कितना बचा समय था, बचा हुआ 2 सेकंड ना, तो 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को ना घटा देंगे, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे, टेंशन नहीं आ जाएगा। जैसे 6 सेकंड पूछा ना जी, तो 104 निकाल लिए, तो 104 दिमाग में बैठ गया, कितना है, 104 आ गया 16 मीटर। अब बचा हुआ सेकंड कितना है, 2 सेकंड ना, तो 2 सेकंड में डिस्प्ले, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो है वो घटा दो उसमें, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, 12 मीटर। तो क्या करोगे, ये 16 मीटर प्लस क्या करोगे, 16 माइनस ये वाला कितना जी, 2 सेकंड वाला ना बचा हुआ था 12, कितना हो गया बताइए, 20 मीटर नहीं हो गया लगता है, नहीं समझ में आया,
ये 16 मीटर रहा ना, ये 16 मीटर और 16 माइनस 12 भी तो किए। अरे ये वाला यहाँ से यहाँ 16 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। अब बचा हुआ 2 सेकंड, तो 16 में से ये वाला 2 घटा देंगे तो यही ना आएगा जी। ये तो सिंपल बच्चा बच्चा बता देगा, शुभम का बेटा भी बता देगा। बात नहीं समझ आया, गुड कॉपी कर लो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो था ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा ये था। अब बताओ पर इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3 सेकंड पे आएगा कि नहीं? अरे 60 माइनस टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे ना तो 3 सेकंड तक। अरे 60 का डिफरेंशिएशन 6, अच्छा ये भी नहीं आता होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है एम टी एन माइनस वन। क्लियर? तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, टी स्क्वायर अगर बोलेगा तो क्या आ जाएगा 2t। ये सब आता है ना आपको, अरे एलिस आता है? ये तो डरी स्वामी से ऐसी बैठी हुई रहती है एकदम, नहीं समझ आ रहा है। अब बताओ क्लियर है? तो 3 सेकंड पे क्या रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। अरे डमरू लो ना समझ में। अच्छा अच्छा तो 3 सेकंड तक क्या रहा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ना, तो 3 सेकंड। अब कितना में पूछा है बोलो, 6 सेकंड पे। तो 3 सेकंड में तो 6 सेकंड पे 0 तो होगा ही। अरे 3 सेकंड आने में लगा जाने में तो उतना ही एग्जैक्टली ना पहुंचेगा, तो 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। ओरली नहीं बोल देते फिर भी लोग बनाया, देखो बना रहा है कृष्णा अभी भी बना रहा है भाई। चलो ये समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या सोचना है आपको, याद रखना है ये वाला, सबसे पहले इसके बारे में जरूर सोचिएगा। क्लियर रहा? अच्छा इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बोल देता इसमें जैसे x इक्वल्स टू a वाला t स्क्वायर माइनस 4 में था, इसमें जो इस क्वेश्चन लिए हो इसलिए, इसमें अगर कुछ बोल देता 7 सेकंड पे, 7 सेकंड में बताइए, तो यार 4 सेकंड तक तो वही ना रहा। 7 सेकंड में मतलब 3 सेकंड बचा ना, तो 3 सेकंड कितना पुट करो, मतलब x ऑफ 7 भी तो पुट कर सकते हैं ना, यही ना x 7 रहा, x ऑफ 7 घटा दो वही ना आएगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। डायरेक्ट वही स्टेटमेंट है ना, x ऑफ t इक्वल्स टू लिख लो, x ऑफ t इक्वल्स टू लिखिए, x ऑफ t इक्वल्स टू लिखिए, x ऑफ t इक्वल्स टू क्या हो गया 90 माइनस टी स्क्वायर मीटर, वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 5th सेकेंड, ड्यूरिंग 5th सेकेंड एंड हेंस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब 5th सेकेंड के दौरान ना, एंड हेंस कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, 5th सेकेंड का बात किया गया है ना। ए 0 सेकेंड, ए 1 सेकेंड हुआ ना, ए 2 सेकेंड, ए 3 सेकेंड, ए 4 सेकेंड और ए 5 सेकेंड। अब बताओ यहां से यहां जो रहा 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, ये 1st सेकेंड है कि नहीं? 1 सेकेंड से टाइम 2 सेकेंड टाइम इंटरवल है, सेकेंड है कि नहीं? और 2 सेकेंड से 3 सेकेंड इसको नहीं बोलेंगे 3rd सेकेंड, हे भगवान। अरे यही ना होगा, मारेंगे उड़ी जाओगे, ये सब तो पढ़े ना होगा तुम लोग, सब्जी सब भूल जाता है। 3 सेकेंड से 4 सेकेंड, ये कौन सा सेकेंड? 4th सेकेंड नहीं हुआ। और 4 सेकेंड से 5 सेकेंड कौन सा सेकेंड बाबू? 5th सेकेंड हुआ कि नहीं? तो 5th सेकेंड के दौरान पूछा है, ड्यूरिंग 5th सेकेंड मतलब टाइम इंटरवल 4 सेकेंड से 5 सेकेंड, इसका मतलब यही ना हुआ। 5th सेकेंड का मतलब क्या जी? टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड से कहां तक पूछा है? टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक।
देखिए तो द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड इज गिवेन बाई आर ऑफ टी इक्वल्स टू टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस फोर जे कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस वन के कैप। अब देखो मैं प्लेन लिखवाया था ना, ए स्पेस हो गया इसलिए प्लेन लिखवाया हूं, तो अगला क्वेश्चन लूंगा यहीं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं? समझ आया? तो द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन इज गिवेन बाय आर ऑफ टी इक्वल्स टू आर टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस फोर जे कैप ना। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। प्लेन में बात करा गया है, बहुत इजी हो गया आपके लिए। आई और जे का जिक्र कर रहा है इसका मतलब एक्स वाई प्लेन होगा ना, वो आई कैप और जे कैप का जिक्र कर रहा है इसका मतलब कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। अब बताओ पहला फर्स्ट कब बोला है? आर इक्वल टू कौन कितने टाइम पे बाबू? 2 सेकेंड या 3 सेकेंड? तो 2 सेकेंड, तो आर आए 2 सेकेंड निकल जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 2 × 2 कौन सा कैप बाबू? आई कैप प्लस बताइए 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कौन सा कैप? जे। तो कितना हो गया बताइए? 4 i कैप हो गया क्या, प्लस 0 j कैप हुआ क्या? कोई दिक्कत? अच्छा ये r इनिशियल रहा, इसी को ना r इनिशियल बोल दूं क्या? r इनिशियल, कोई दिक्कत? अच्छा अब r फाइनल, फाइनल देखते हैं कहां पे कितने पे निकालना है। 5 सेकेंड है 3 सेकेंड है? 5 सेकेंड निकालिए। तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए जरा? 2 × 5 कौन सा कैप? i कैप प्लस 5 होल स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर माइनस 4 कौन सा कैप? जे कैप। बताइए इज दैट 10 i कैप प्लस 20 माइनस 4 25 माइनस 4 21 जे कैप ना, एम आई राइट? तो देखो आर आई ये है, देखो ये आर आई वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? आर आई, समझाने के लिए केवल ले रहा हूं, नहीं तो 4 i कैप कहां पे लाई करेगा खुद पता है आप लोग को। मैं बना दूं एग्जैक्ट पिक्चर बना दूं, देखो इनिशियल कहां है? आर आई देख रहा हूँ, 4 i कैप है ना, इसका मतलब ये रहा होगा यहाँ पे 4 i कैप। अरे यही ना इनिशियल पोजिशन है। अरे क्लियर? आगे क्या? 10 i कैप प्लस 21 j कैप, 10 i कैप प्लस 21 j कैप यहीं पे कहीं रहा होगा। ये वाला कौन सा कैप जी है? 10 i कैप प्लस 21 j कैप, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 10, 21 रहा होगा कि नहीं बाबू? लगता है नहीं समझ आया। तो वेक्टर हम लोग का काम बहुत आसान कर देता है। ये कौन सा वेक्टर है? आर एफ ना, फाइनल वेक्टर ना। और ये कौन सा वेक्टर है? इनिशियल वेक्टर ना, याद करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? अरे यही ना। फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? यही ना। लगता है मैं केवल चिल्ला रहा हूं, समझ आया? यही ना होगा। तो ए वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर निकाल नहीं लोगे रे बाबू? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस पढ़े हैं आप लोग, वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दैट वेक्टर और नॉट? अरे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस पढ़ा है ना, आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर नहीं होगा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस यही ना है। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए? आर एफ वेक्टर माइनस
आर आई वेक्टर, यही ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बाबू। इजी नहीं है सब, बहुत बार बोला हूँ तो एक बार फिर लिख देता हूँ। तो डेल्टा आर वेक्टर पूछा था, डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। 10 माइनस 4 6 आई कैप, 21 माइनस 0 जे कैप 21 जे कैप, यही ना हो गया डिस्प्लेसमेंट बाबू। याद है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही था ना जी, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही था ना, एक्स था, ये क्या था वाई था, और ये क्या था जीरो। ओरिजिन बहुत छोटा बनाएंगे अब आगे नहीं, इसमें एक क्लॉक लगा हुआ रहता था याद है ना, स्केल यूनिट वेक्टर आई कैप, स्केल यूनिट वेक्टर कौन सा कैप जे कैप, और स्केल यूनिट वेक्टर कौन सा कैप बाबू के कैप। पार्टिकल कहाँ से चला था, इनिशियल पोजिशन से ना, कहीं मान लेता हूँ यहाँ था पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ पहुंच गया, बता सकते थे आप लोग। एक कौन सा पोजीशन था बाबू, इनिशियल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन, जो बोलना है बोली, ये क्या था इनिशियल पोजीशन, और एक कौन सा पोजीशन था फाइनल पोजीशन। ये बताने की जरूरत नहीं कि जो एग्जैक्ट पाथ लेंथ कवर करा पार्टिकल वो क्या था बाबू, जो एग्जैक्ट पाथ लेंथ कवर करा वो क्या था डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ था डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वो क्या था डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले भी बोला हूं डिस्टेंस को लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब अगला कंसेप्ट क्या होगा एवरेज स्पीड का, किसका कंसेप्ट होगा एवरेज स्पीड का, और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के चलेंगे तो अगला कंसेप्ट क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया जी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन, अरे यही ना। मैं मान लेता हूँ टी इक्वल्स टू टी वन पे पार्टिकल यहाँ पे था, टी इक्वल्स टू टी टू पे यहाँ पे पार्टिकल रहा, बताओ यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल जी डेल्टा टी कितना टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट्स फाइनल पोजिशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन एंड दैट इज टी टू माइनस टी वन और नॉट, अरे यही ना। अब इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अभी बताने की जरूरत नहीं ना है, ये आर वन वेक्टर या आर टू वेक्टर, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर कौन सा रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा कि नहीं जी, डेल्टा आर वन वेक्टर कौन सा रहा, और जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करा है उसको मैं डेल्टा आर लिख रहा हूँ, तो कन्फ्यूज नहीं ना हो जाओगे, डेल्टा आर ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत है क्या, उसमें वेक्टर का नोटेशन नहीं दिया हूँ, डेल्टा एस लिख दूँ जो बोलोगे, डेल्टा एस लिख दूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा बाबू, मैग्नीट्यूड समझ लेगा उसका, डेल्टा से डेल्टा एस लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड, और ए डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई दिक्कत। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को किससे मतलब है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा और कितना टोटल टाइम लगा। तो अगर आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड कितना रहा, तो आपको देखना है टोटल डिस्टेंस कितना चला 4 मीटर और ये 3 मीटर, और कितना टाइम टोटल लगा यहां से यहां कितना, मतलब टोटल टाइम 40 मिनट ना लगा जी, तो आपको टोटल टाइम पे ध्यान देना है, बीच में रुके बीच में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई एवरेज स्पीड अगर पूछता है तो एवरेज स्पीड कितना हो जाता, एवरेज स्पीड क्या हो, टोटल डिस्टेंस 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर अपॉन टोटल टाइम जो लगा कितना जी 40 मिनट, समझ रहे हो। तो कितना हो गया 7/40 मीटर पर मिनट हो गया कि नहीं, 7/40 मीटर पर मिनट हो गया, अरे समझ रहे हो ना, बाद बाकी यूनिट तो अलग चीज है, कोई दिक्कत समझ आ रहा। मतलब बीच में आप रुक रहे हो टहल रहे हो क्या कर रहे हो उससे मतलब कुछ नहीं है, आप एक्चुअल पाथ लेंथ कितना कवर कर रहे हो उससे उसमें इंटरेस्ट लेना है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसमें इंटरेस्ट लेना है। जैसे हम लोग अगर गाड़ी का बात करें तो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है ना जी, अब गाड़ी में क्या होता है गाड़ी से आ रहे हैं कहीं तो कहीं हम लोग रुकते भी हैं, कहीं रुकते भी हैं, कहीं स्पीड भी बढ़ाते हैं और कहीं पे बहुत धीमा भी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो उससे मतलब नहीं है, कितना डिस्टेंस कवर किए हम लोग और कितना टाइम लगा उसी का ना रेशियो है,
तो एवरेज स्पीड जब भी पूछे तो आम भाषा में केवल इतना ध्यान देना कितना डिस्टेंस कवर करा है पार्टिकल, कितना डिस्टेंस कवर करा है पार्टिकल और कितना टाइम लगा है, बस इतना से ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब भी अगर एवरेज स्पीड पूछे तो क्या क्या सोचना है, कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना टोटल टाइम लगा, बस इतना ध्यान देना है। क्लियर है? अच्छा, यही चीज है। अब एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या सोचोगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह क्या सोचोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इस दौरान जो हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी, यहां से चले यहां चले ना, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। तो कितना हो गया जी, 5 मीटर हो गया कि नहीं, 4 मीटर प्लस 3 मीटर जानबूझ करके लिया था ताकि समझ में आए आप लोग को, ये 5 मीटर रहा। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ देता आपसे तो एवरेज वेलोसिटी में किसमें इंटरेस्ट लेना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर, और टाइम तो वही लेना है जी, टाइम तो वही ना लगा, जो स्पीड में लगा वही टाइम किसमें, वेलोसिटी में भी लगा कितना, तो क्या हो गया 1/8 मीटर पर मिनट। समझ में आ रहा है, मतलब ये टहलते हुए जा रहा है, कोई दिक्कत? तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझ में आया, एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या बताइए, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, इसमें एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ एक स्केच कर दोगे स्लाइड सेगमेंट की, नहीं मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही ना एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा जी। बात समझ में आया, बताइए एवरेज स्पीड का डायरेक्शन बताइए, एवरेज स्पीड का डायरेक्शन बताओ, एवरेज स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डमरू के फादर जब एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का चर्चा ही नहीं करना है। एवरेज स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का चर्चा भी नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया? अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी सिंपली पूछ देता है, तो वेलोसिटी क्या होता है एक पार्टिकुलर टाइम पे, याद है ना? अभी जो आप लोग पढ़े एवरेज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट करा आप बताइए जरा, एवरेज वेलोसिटी कौन सा जी, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, देख रहे हो एक ही चीज है। ये क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अरे यही ना, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अगर एवरेज स्पीड की बात करता, एवरेज स्पीड, तो इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात बराबर ना, वो क्या हो गया जी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, अरे यही ना हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई दिक्कत? तो अगर एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया आपको, तो एवरेज स्पीड समझ में आ गया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो समझ ही जाते हैं ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, उस समय पे पूछेगा। ये तो टाइम इंटरवल का ना बात कर दिया जी, कहां से कहां, 12:10 से 12:50 पे आपसे पूछा था 12:15:02 पे कितना वेलोसिटी था, तो एक पार्टिकुलर टाइम का बात करा ना जी, मतलब उस समय वेलोसिटी जो रहा होगा वही ना बात करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या होगा, आप सोच करके देखो जरा, आगे बढ़ेंगे, आज तो टाइम है नहीं, इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह कांसेप्ट सीखेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, इंस्टेंजेंट के लोग चलता है ना। तो ये सब चीज थोड़ा पढ़ करके आएगा, तब अगले क्लास में चर्चा करा जाएगा ना, ये समझ में आया? आगे बढ़िए आप लोग अच्छे से, इससे रिलेटेड बनाइए क्वेश्चन, जाकर के जो भी मिलता है बनाइए, फिर आगे तो पढ़ ही रहे उधर, समझ में आ रहा है? तो चलिए आज इतना ही ना।